गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माय नेम इज मुकेश बाराभद्रे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक, बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीडी सर्च एल्गोरिदम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In today's video lecture, we are going to cover all the important points of best first search algorithm, which is very important for your university exam as well as competitive exams like GATE. So hit the like button and subscribe to my channel. To understand today's topic, you need to understand what is BFS and DFS, that is breadth first search and depth first search. I already created a video on BFS and DFS. Click on I button, watch the video. That video is very important to understand today's topic. So let's get started. बेसिकली आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, जो कि आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू और गेट पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम क्या होता है, इसमें आपके जो कुछ प्री रिक्विजिट है, जैसे कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम में हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च आता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च आता है, और कुछ इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम में हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम होता है वो वर्क करता है हमारे ह्यूरिस्टिक फंक्शंस के ऊपर में, और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ BFS एंड DFS, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड दिस इज इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम। सो लेट्स स्टार्ट। Best first search algorithm is what? Best first search algorithm always select the path which appears best at that moment. Best first search algorithm करता क्या है? Best first search algorithm आपकी best path को choose करता है according to the heuristic functions. आपकी जो भी heuristic value होगी, आपकी जो भी heuristic function best होगी, उसके according best path को select करेगा. It is a combination of depth first search and breadth first search algorithm. Yes, best first search algorithm क्या है? आपका BFS and DFS का combination है. यहां पे आपका BFS का भी यूज होता है, आपका DFS टेक्निक का भी यूज होता है। सो बेस्ट फर्स्ट सर्च इज नथिंग अबाउट योर कॉम्बिनेशंस ऑफ BFS एंड DFS। इट यूजेस अ ह्यूरिस्टिक फंक्शंस एंड सर्च। मैंने आपको पहले ही बताया था ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है। ह्यूरिस्टिक इज नथिंग अबाउट अनुमान लगाना, अनुमान के ऊपर में आधारित। सो ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन BFS। बेस्ट फर्स्ट सर्च यूजेस अ ह्यूरिस्टिक फंक्शंस व्हाइल वी सर्च। Okay, with the help of best first search, at each step, we can choose the most promising node. In BFS, we are choose only a most promising node while we searching. Combining the two is to follow a single path at a time, but switch the path whenever some competing path look more promising than the current one. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो best first search algorithm है, ये हमारा combination है हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम का और डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम का। तो हम दोनों एल्गोरिदम को कंबाइन तो कर रहे हैं, बट इससे हम क्या करेंगे, हमें सिंगल पाथ ही निकालनी है। मतलब हम बेस्ट फर्स्ट सर्च से क्या करेंगे, हमें सिंगल पाथ ही मिलेगी, बट हम क्या करेंगे, जब भी हम स्विच मतलब पाथ को फाइंड आउट करेंगे, मतलब इनिशियल नोड से गोल नोड तक के अगर हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है और हमें पाथ फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों के ऊपर में किसी भी एक के ऊपर में स्विच कर सकते हैं। और कब स्विच करेंगे, जब भी हमें कोई मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड मिलेगा या फिर मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ मिलेंगे, तब हम उस पर स्विच करते जाएंगे। ओके, सो बेस्ट फर्स्ट सर्च। नाउ लेट्स डिस्कस विच डेटा स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड टू व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। वी विल यूज्ड प्रायोरिटी क्यू टू इंप्लीमेंट बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। While implementing the best first search algorithm, we will need some data structure. So data structure is nothing about where we are holding the data to solve the problem. Okay, so in BFS or best first search, we are going to use the priority queue. Priority queue is nothing about the queue which sorted the data in ascending order. Okay, priority key is also called as queue. While we implement the BFS, we need two variables. First one is open list and second one is closed list. Open list and closed list are the priority queues. Okay, अब हम समझ लेते हैं कि ओपन लिस्ट एंड क्लोज लिस्ट होता क्या है। ओपन लिस्ट में होता क्या है, ओपन लिस्ट में हम जो भी नोड को हम विजिट करेंगे और हम उसको उसके ऊपर में ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे ओपन लिस्ट में जाएगा, बट हमने उसको अभी भी एग्जामिन नहीं किया हुआ है, और हमने उसको विजिट किया है सिंपली, बट हमने उसके जो चिल्ड्रंस है उसको एक्सपांड नहीं किया हुआ है। तो वो ऐसे जो भी नोड जो भी अनएक्सपांडेड है बट विजिटेड है, उसको हम रखने वाले हैं ओपन
ओपन लिस्ट के अंदर में। ओपन लिस्ट ये अगेन प्रायोरिटी बता देता हूँ, प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी में क्या होता है, आपका जो भी डेटा है वो प्रायोरिटी मतलब असेंडिंग ऑर्डर्स में आपका सॉर्ट होके प्रायोरिटी क्यू में स्टोर होने वाला है। क्लोज लिस्ट में होता क्या है, क्लोज लिस्ट द नोड दैट हैव ऑलरेडी बीन एक्समाइंड एंड विजिटेड और एक्सपांडेड, ऐसे नोड्स जो कि हमने उसको पहले ही टेस्ट कर लिया, उसको एग्जामिन कर लिया हुआ है, तो ऐसे नोड्स को हम क्या कहते हैं, हम ऐसे नोड्स को हम क्लोज लिस्ट के अंदर में डालते हैं और क्लोज लिस्ट के अंदर में हम स्टोर करते हैं। मतलब जो नोड विजिटेड है हमने उसको एक्सपांड कर लिया, ऐसे नोड को हम क्लोज लिस्ट के अंदर में इंसर्ट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द एल्गोरिदम ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। आपको स्क्रीन के ऊपर में एक ग्राफ दिख रहा होगा, ग्राफ में स्टार्टिंग नोड है एंड गोल नोड है एंड सम इंटरमीडिएट नोड्स है जिसमें आपको उसकी पाथ कॉस्ट दी हुई है, जैसे कि 3, 2, 4, 1, दीज आर द पाथ कॉस्ट। ओके, एंड स्टार्टिंग नोड ऑफ अवर एल्गोरिदम इज स्टार्ट नोड एंड वी आर गोइंग फ्रॉम टू गोल नोड। ठीक है, आपको राइट साइड में एक ह्यूरिस्टिक वैल्यूज भी दिख रही होगी पर्टिकुलर नोड की। अगर मुझे ए से जी तक के जाना है तो मुझे ह्यूरिस्टिक वैल्यू लग रही है 12। ठीक है, अभी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सभी नोड से मतलब जितने भी हमारे पास में इस ग्राफ के अंदर में जितने भी नोड्स होंगे उस नोड से हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गोल नोड की, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे ए से अगर गोल जाना होगा तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी। अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम मोस्ट ऑफ दी अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि हमारा इक्लूडिंग एल्गोरिदम हो गया, स्ट्रेट लाइन एल्गोरिदम हो गया। तो हम ये एल्गोरिदम का यूज करके ह्यूरिस्टिक फंक्शंस कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे तो हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू गिवन होगी जिससे कि हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए। हम जो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करने वाले हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शंस और ह्यूरिस्टिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ना कि हमारी पाथ कॉस्ट के अकॉर्डिंग। जो भी हमारी ह्यूरिस्टिक फंक्शंस होंगे वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम अपना एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे। तो डिस्कस कर लेते कि BFS का एल्गोरिदम कैसे है। हम स्टार्ट करने वाले प्लेस द स्टार्टिंग नोड इनटू द ओपन लिस्ट। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टार्टिंग नोड होगा, दिस इज द स्टार्टिंग नोड, हम क्या करेंगे, हम अपने ओपन लिस्ट के अंदर में स्टोर करेंगे। ओपन लिस्ट क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्यू है जिसके अंदर में हमारा जो ओपन लिस्ट होगा वो उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एस नोड है मतलब जो गोल स्टार्टिंग नोड है, ये स्टार्टिंग नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू को हम अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर में स्टोर करेंगे, जो कि होगी हमारी 13। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर इफ ओपन लिस्ट इज एम्प्टी, अगर हमारी ओपन लिस्ट ब्लैंक है तो हम स्टॉप एंड रिटर्न द फेलियर, ये रिटर्न करेंगे। रिमूव द नोड, स्टेप नंबर 3, रिमूव द नोड एंड फ्रॉम द ओपन लिस्ट विच हैज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एच ऑफ एन एंड प्लेस इट इन द क्लोज लिस्ट। ठीक है, हमारे ओपन लिस्ट के अंदर में हमने क्या इंसर्ट किया है, एस नोड को इंसर्ट किया, एस नोड की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी जो 13 थी हमने उसको इंसर्ट किया हुआ है। तो हमारा ओपन लिस्ट जो है अभी ब्लैंक नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, हम ओपन लिस्ट की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी, जो भी लोवेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी, अभी तो 13 ही है, तो जो भी हमारी लोवेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू है दैट इज 13, हम क्या करेंगे उसको रिमूव करेंगे, रिमूव द नोड एंड फ्रॉम द ओपन लिस्ट, मतलब ओपन लिस्ट में से हमें रिमूव करना है और उसको क्लोज लिस्ट में डालना है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, अब उसको टेस्ट करने वाले हैं और उस नोड को हम एक्सपांड करेंगे। जैसे ही हम एक्सपांड करेंगे उस नोड को हम एक्सपांड करेंगे तो वी विल गेट अनादर टू नोड्स दैट इज ए एंड बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए एंड बी की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज है हम वो स्टोर करेंगे अब ओपन लिस्ट के अंदर में, और हमारा जो एस जो नोड था स्टार्टिंग नोड जो था हम वो उसको किस में डाल देंगे, हम क्लोज लिस्ट के अंदर में डाल देंगे। तो हमारी ए एंड बी के जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल ए की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 12 है और बी की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 4, हम इसको हम रखने वाले हैं हम अपने ओपन लिस्ट के अंदर में शॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम इसको हमारे जो ओपन लिस्ट है उसके अंदर में स्टोर करेंगे। तो हम चेक करते हैं, एक्सपांड द नोड एंड जनरेट द सक्सेसर ऑफ नोड। ठीक है, हमने किया चेक ईच सक्सेसर ऑफ अ नोड एंड फाइंड वेदर एनी नोड इज अ गोल नोड और नॉट। हम उसको चेक भी करेंगे क्या वो गोल नोड है या नहीं है। इफ एनी सक्सेसर नोड इज अ गोल नोड देन रिटर्न द सक्सेस एंड टर्मिनेट द सर्च, एल्स प्रोसीड टू द स्टेप नंबर 6। अगर गोल नोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे। फॉर ईच सक्सेसर नोड अल्गोरिदम चेक्स फॉर द इवेल्यूशन फंक्शन एच ऑफ एन। जैसे ही अगर वो जो भी हमारा नोड ओपन लिस्ट से हमने क्लोज लिस्ट में इंसर्ट किया, अगर हमारा गोल नोड नहीं है तो हम उसके सक्सेसर्स फाइंड आउट करेंगे और सक्सेसर्स फाइंड आउट करने के बाद में अगेन हम उसकी एच ऑफ एन वैल्यू को चेक करेंगे। तो अब ओपन लिस्ट के अंदर में हमारी जो एच ऑफ एन वैल्यू जो है बी की जो स्मॉलेस्ट थी जो कि 4 थी, हम
प्रायोरिटी क्यू लगाया है, मतलब शॉर्टेड ऑर्डर में हमारी प्रायोरिटी क्यू है, तो हमारी जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी क्यू है, लोवेस्ट वैल्यू है एच ऑफ एन की, वो हम अब उसको अगेन रिमूव करेंगे और उसको क्लोज लिस्ट में डालेंगे, फिर उसके सक्सेसेस को हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी एच ऑफ जो भी एच ऑफ एन की वैल्यूज होगी वो स्टोर होगी हमारे ओपन लिस्ट में. सो दिस प्रोसेस मे गो टू कंटिन्यू एंड रिपीट एंड अगेन अंटिल वी फाइंड द गोल नोड. ठीक है, तो ये हमारा चलते रहेगा. तो स्टेप नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए. फॉर इस सक्सेसर ऑफ नोड अल्गोरिदम चेक्स फॉर द इवैल्यूएशन फंक्शंस, दैट इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, एंड देन चेक इफ द नोड हैज बीन आइदर ओपन और क्लोज लिस्ट. वो चेक करेगा ओपन लिस्ट में है कि क्लोज लिस्ट में है. क्लोज लिस्ट में मतलब हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया, एक्सपांड कर लिया है, हमें उसको अगेन एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है. इफ द नोड has not been in both list, then add it to the open list. अगर वो open list में भी नहीं है और closed list में भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस जो expanded node है, जो नए nodes generate हुए हैं, हमें उसको open list के अंदर में रखना पड़ेगा. ठीक है, and return to the step number 2. अगेन इफ ओपन लिस्ट इज एम्प्टी, हम वो चेक करते जाएंगे और ये हमारा फ्लो कंटिन्यूसली चलते रहेगा. ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ. सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग नोड को हमने ओपन लिस्ट में रखा, फिर हमने उसको उसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज है, जो स्टार्टिंग नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 13 है, हमने ओपन लिस्ट के अंदर में इंसर्ट करके रखा हुआ है. हमने चेक किया कि ओपन लिस्ट ब्लैंक है क्या, अगर ब्लैंक होगी तो हम रिटर्न कर देंगे फेल, और नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग नोड है, जो भी हमारा स्टार्ट नोड है, हम उसको रिमूव करेंगे ओपन लिस्ट में से. और जैसे ही हम उसको रिमूव करेंगे, हमें क्या करना है, उसके चिल्ड्रंस को फाइंड आउट करना है. चिल्ड्रंस हमारा ए एंड बी है, और ए एंड बी की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे ओपन लिस्ट के अंदर में अकॉर्डिंग सॉर्टेड ऑर्डर में. ठीक है, तो हमारा बी पहले इंसर्ट होगा और फिर ए बाद में इंसर्ट होगा, क्योंकि बी की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 4 एंड ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 12. ठीक है, अब हमारा हम क्या करेंगे, हम बी को रिमूव करेंगे क्योंकि हमारा ओपन लिस्ट के अंदर में बी सॉर्टेड ऑर्डर में. अब बी के हम चिल्ड्रंस को देखेंगे, बी के चिल्ड्रंस है ई एंड एफ. ठीक है, तो हमारे ओपन लिस्ट में हम क्या करेंगे, ई एंड एफ को इंसर्ट करेंगे, जो कि और ए भी हमारा ऑलरेडी ओपन लिस्ट के अंदर में होगा, बट ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 12 है, ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू अगर आप देख सकते हैं तो 8 है, और एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपकी 2 है. तो अगेन हम सॉर्टेड ऑर्डर में रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा ओपन लिस्ट में, एफ मिलेगा, और हम एफ को रिमूव करेंगे. एफ को रिमूव करने के बाद हम उसके चिल्ड्रंस फाइंड आउट करेंगे, आई एंड जी. सो अगेन आई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम रखेंगे 9, और जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू रखेंगे, जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू रखेंगे हम 0. सो गोल जो जी नोड है हमारा गोल नोड है, तो उसकी ह्यूरिस्टिक एस्टिमेटेड कॉस्ट 0 ही होगी, तो जो की है 0. तो हम गोल नोड तक के पहुंच चुके हैं, और बाकी के अभी ओपन लिस्ट के अंदर में कुछ और भी हमारे नोड्स है, जैसे कि आई हो गया हमारा, ई हो गया हमारा, ए नोड हो गया. ये जो नोड्स है ये हमारे ओपन लिस्ट के अंदर में है, बट हम अभी गोल स्टेट तक के पहुंच चुके हैं, तो हमारा यहां पे एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगा. इसी वे से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है. ठीक है, तो ओपन लिस्ट किस तरीके से वर्क करने वाली है, आपकी क्लोज लिस्ट किस तरीके से वर्क करने वाली है, हम कुछ एग्जांपल सामने में देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा, और ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जांपल, लेट्स डिस्कस व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर टू सॉल्व बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम. वी एक्सपांड द नोड विच इज क्लोजेस्ट टू अ गोल नोड एंड द क्लोजेस्ट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड बाय द ह्यूरिस्टिक फंक्शन. येस, इन अ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम वी रिक्वायर द ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यूज ऑफ अ ग्राफ. ओके, ऑफ अ फ्रॉम इनिशियल नोड टू गोल नोड. द आइडिया इज वॉट, द आइडिया इज यूज द इवोल्यूशन फंक्शन, दैट इज एच ऑफ एन फॉर ईच नोड. The use of evaluation functions for each node. That means we are going to solve from starting node to goal node. But we also have to calculate the all the possible all the node all the dis, all the heuristic values from all the nodes present in your graph. Expand the more desirable expanded node, and we will use the fringe data structure, that is called as fringe is a queue sorted in descending decreasing order for desirability. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एच ऑफ एन का यूज करेंगे एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. सो एक एग्जांपल, ये जो एल्गोरिदम है, हमने एल्गोरिदम ऑलरेडी डिस्कस किया है, दिस इज द प्रॉपर एल्गोरिदम इज गिवन हियर. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द एग्जांपल इज कॉल्ड एज रोमानिया मैप.
रोमानिया इज अ सिटी वेयर द डिफरेंट प्लेसेस आर देयर, एरेड, ज़िरलैंड, ओराडिया, रिमेसियो, वेलिसिया, फेगारेस, सिबियू, ऑल दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस. वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ और गुड पाथ फ्रॉम एरेड टू बुचारेस्ट. दिस इज द एरेड एंड वी हैव अ बुचारेस्ट. द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम एरेड टू ज़िरलैंड इज 75, ओराडिया टू सिबियू इज 151. सो दिस इज द एक्चुअल पाथ कॉस्ट. Okay, but we know that to solve the best first search algorithm and to find out the distance between from Arad to Sibiu, we will need the heuristic value. So we have a given heuristic value is this. The we can also find out the heuristic value between from Arad to Bucharest by using Euclidean distance algorithm. Okay. So let's see the value of heuristic value from Sibiu to Bucharest is given here, that is 253. We have a value of Arad to Bucharest is 366 is given here. We have a value of Lujong to Bucharest is 244 is given here. So possible heuristic value is given here to solve this problem. प्रॉब्लम के अंदर में एरेड टू बुचारेस्ट अगर हमें जाना है तो यहाँ पे हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यूज का ही की ही जरूरत है. एक्चुअल पाथ कॉस्ट हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, हम यहाँ पे ह्यूरिस्टिक फंक्शंस और ह्यूरिस्टिक वैल्यू का ही यूज करने वाले हैं. तो हमने क्या किया हुआ, एरेड टू बुचारेस्ट के बीच में जितने भी हमारे मतलब इस रोमानिया मैप के अंदर में जितने भी नोड्स है, उन नोड्स से अगर मुझे बुचारेस्ट जाना है तो मुझे उसका कितना डिस्ट्रिक्ट पाथ कितनी होगी, हिस्टिक वैल्यू कितनी होगी, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है. तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है यूजिंग इंक्लूडिंग एल्गोरिदम. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम टू बुचारेस्ट. स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टू बुचारेस्ट दैट इज एरेड टू बुचारेस्ट इज 366. फ्रॉम सीबीयू टू Bucharest is 253. So ये जो है, this 253, 366, 244 are the heuristic values. Okay? और इसको find out किया है heuristic functions के through. Clear है? Now इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम. आप नीचे साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे एक ग्राफ, वो रोमानिया सिटी का ग्राफ दिया हुआ है. यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस टू बुचारेस्ट दिया हुआ है. ठीक है, बुचारेस्ट टू बुचारेस्ट इज 0, एरेड टू बुचारेस्ट इज 366. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टू बुचारेस्ट. ओके, एंड वी हैव ओपन लिस्ट एंड क्लोज लिस्ट हेयर. फ्रॉम द स्टार्टिंग वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एरेड एंड वी हैव टू एंड टू अ बुचारेस्ट. सो स्टार्टिंग नोड इज एरेड. वी विल प्लेस दिस एरेड टू अवर ओपन लिस्ट. सो दिस इज द ओपन लिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ एरेड टू बुचारेस्ट इज 366 एंड वी विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एरेड. सो वॉट वी विल डू इन अ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, वी विल रिमूव एरेड फ्रॉम ओपन लिस्ट एंड मूव इट टू अ क्लोज लिस्ट एंड विल एक्सपांड and expand the childrens of Arad and we will find the neighboring places of Arad. Okay, so we will have a Zerind, we have a Thimosira, we will have a Sibiu. Okay, so we will get Sibiu, that is the distance from Sibiu to Bucharest is 253. Actually this is not a distance, this is the actual this is the heuristic path. Okay, Sibiu to Bucharest, the path, heuristic path is, heuristic value is 253. Zerin to Bucharest, heuristic value is given here, 329. The heuristic value of Timișoara to Bucharest is 374. So, these are the nodes we expanded after evaluating the Arad. And we will get the three nearest places, that is Sibiu, Zerind and Thimosira. All these nodes are placed in an open list and in a sorted order. In a sorted order, minimum value placed first and largest value placed later. So we will get the minimum value, that is Sibiu in first and Zerind is later and Thimisora is later. Open list, we have a sorted heuristic value here. So Sibiu is the lowest one. So from the open list we will remove the Sibiu and moving to the closest list. And jaise hum Sibiu ko yahan se open list se remove karenge to hum Sibiu ke jo children hai ya Sibiu ke jo nearest neighbors hoge hum usko find out karenge, evaluate karenge. Okay, so सीबीयू के जो नियरेस्ट नेबर्स है वो आप देख सकते हो. यहाँ पे हम एरेड को फाइंड आउट करते हैं. सीबीयू से एरेड का एक कनेक्टेड पाथ है. वी एंड द पाथ द एक्चुअल ह्यूरिस्टिक वैल्यू फ्रॉम एरेड टू बुचारेस्ट 366. वी विल गेट द फेगारेस ऑल्सो फ्रॉम द सीबीयू.
द एक्चुअल पाथ ह्यूरिस्टिक पाथ ऑफ फेगरेस टू बुचारेस्ट इज 177. वी विल गेट ओराडिया द ह्यूरिस्टिक वैल्यू फ्रॉम ओराडिया टू बुचारेस्ट इज 388. सो इट इज सो मैक्सिमम. सो ऑल दीज आर इज प्लेस्ड इन एंड वी ऑल्सो गेट रिमनीसीयू विलिसिया. सो the path is heuristic value is 193. So we will again we sort this different places according to heuristic functions and placed in a open list. Now we will get the Figueres. Now we will get the Figueres is lowest one. We will not choose again Arad, and Arad is already visited in our open list, and we already is present in our closed list. So we will not explore the Arad again. So we will remove the Figueres from the open list and place it into the closed list and expand the nearest neighbors of Figueres. So let's say what are the different nodes of Figueres to what are the different nearest places from the Figueres. We will move to Sibiu also. The path from Sibiu to Bucharest is 253. The heuristic value, okay. Bucharest from Bucharest to Bucharest is a heuristic value is 0. ओके सो बुचारेस्ट से बुचारेस्ट ही अगर जाना रहा तो हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 मिलेगी. तो अब हमें हमारे पास में एक्चुअल में जो हमारी ह्यूरिस्टिक पाथ के अकॉर्डिंग जो हमारी ओपन लिस्ट है हम देख सकते हैं. हमें बुचारेस्ट मिल गया, रिमनीसियो विलिसिया मिल गया, जेरिन है, थीमिसोरा है, ओराडिया है. दीज आर सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो मिनिमम वैल्यू इज फर्स्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू इज लास्ट. ओके तो हम देख सकते हैं सीबीओ को हम अगेन एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि हमने सीबीओ को ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है. तो ये हमारे क्लोज लिस्ट के अंदर में प्रेजेंट है तो हम अगेन उसको एक्सपांड नहीं करने वाले. तो आप देखोगे हमारे पास में बुचारेस्ट आ गया. अब हम क्या करेंगे, बुचारेस्ट को ओपन लिस्ट से रिमूव करेंगे और बुचारेस्ट को रिमूव करके हम क्लोज लिस्ट में लेके आएंगे ताकि हमारा एग्जांपल यहाँ पे क्लोज हो जाए. और बुचारेस्ट हमारा क्या है, बुचारेस्ट हमारा गोल रेस्ट है. सो बुचारेस्ट इज अवर गोल नोड. सो वी विल रिटर्न दी path from Bucharest to Arad. So we will return from Bucharest to Figueres, Figueres to Sibiu and Arad. So this is the actual path we will get. So Arad to Sibiu, Sibiu to Figueres and Figueres to Bucharest. So ये हमारी path मिलने वाली है और इसके through हमारा example solve होगा. So we will get the actual path, that is 140 plus 99 plus 221. So this is the shortest path we will find using best first search algorithm and using open and closed priority queues and using heuristic functions. Okay. Now let's discuss the properties of best first search algorithm. We have a algorithm properties, that is complete, time complexity, space complexity, and even the optimal solution or not. So let's discuss first one, that is complete. Is this best first search algorithm is complete? No, best first search algorithm cannot. Best first search algorithm is not a complete. It can get stuck into a loop. That this is the loop, but completed in a finite space with the repeated state eliminations. तो जैसे जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो best first search algorithm है ये complete नहीं है और ये finite space के अंदर में ये काफ़ी अच्छे से काम करता है और ये कभी loop में stuck हो सकता है जैसे के कारण हमारा best first search algorithm complete नहीं होता. Then the time complexity. The time complexity is b to the power m. So b is a branching factor and m is a maximum depth of the state space. Okay, it may be a maximum or it may be an infinity. Okay, so imagine all the nodes all have a same distance estimated to a goal. So the time complexity is o to the power bm, which is similar to depth first search. जैसे कि हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे बेस्ट फर्स्ट सर्च में भी मिल जाएगी. ओके बट द गुड ह्यूरिस्टिक कैन गिव द ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट. ठीक है, अगर हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू बहुत इंप्रूवमेंट है और बहुत बेस्ट है तो हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अगेन इंप्रूव होगी. तो स्पेस, now the space complexity, it is same as a depth first search, that is b to the power m, keep all the nodes in the memory. Okay, so b is a branching factor and m is a maximum depth from the state space. Is the best first search algorithm is optimal? No, it is provide the good solutions but it does not gives a guarantee to provide the optimal solutions. Okay, so this is
these are the properties of best first search algorithm. Now discuss the advantages of best first search algorithm. Best first search can switch between BFS and DFS by gaining the advantages of both the algorithm. This algorithm is more efficient than the BFS and DFS algorithm. We already discussed this. These are the advantages of BFS. So disadvantage is what? It can behave as an unguided depth first search. इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर हमारी जो स्टेट स्पेस है वो मैक्सिमम है और हमारा जो स्टेट स्पेस में अगर लूप्स है मल्टीपल, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ सकता है और हमारा बी एफ एस प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा. इट कैन गेट स्टक इन अ लूप इन एज अ डी एफ एस. दिस एल्गोरिदम डज नॉट गिव्स द ऑप्टिमल सोल्यूशंस, बट इट प्रोवाइड्स द गुड सोल्यूशंस, बट डज नॉट गिव्स द गारंटी टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल सोल्यूशंस. If you have any questions, please write down in a comment sections. I can try to give you answer and solve your problem. Okay, thank you.